विंडो, आप सभी अपने विंडो से नीचे देखिए, कंटिन्यूसली देखते रहिए. Now you, whatever you sing, these all are chorals, all are live choral, all are live choral. You can see mostly in this area, filter choral, jackfruit choral, same like as jackfruit choral, brain choral like as human brain, that one is the brain choral, flower choral, finger choral, mushroom chorals, plate coral, and in color sky blue and white is very common, but parrot and yellow is very rare. ये जो corals हैं जो आपको यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलेंगे वो है builder coral, जो building की तरह बने हैं. आपको कुछ jackfruit की तरह नजर आएंगे, जो jackfruit की तरह बने होंगे same as, कुछ आपको ब्रेन की तरह लगेंगे जैसे ह्यूमन ब्रेन बना हुआ है, उसको ब्रेन कोरल बोलते हैं. आपको फ्लावर कोरल नजर आएगा, कुछ आपको फिंगर फ्लावर की तरह नजर आएंगे. फिंगर का फिंगर की कैटेगरी में बहुत से हैं. कुछ आपको प्लेट कोरल भी नजर आएगा. आपको जो कलर में नजर आएंगे वो स्काई ब्लू एंड व्हाइट बहुत कॉमन है. कुछ ब्राउनिश कलर का भी आएगा, वो भी बहुत कॉमन है. आपको जो रेयर भी नजर आएंगे वो पैरेट एंड येलो है, वो बहुत रेयर है. ये 10 साल में सिर्फ 1 इंच ग्रो करते हैं, ओनली 1 इंच ग्रो इन 10 ईयर. ये शैलो वाटर में होते हैं. आपको सिर्फ दो ही रीजन से थोड़ा सा धुंधला नजर आएगा, एक तो सनग्रेस कम है और प्लस अगर पानी मिक्स हुआ है तो. आपके राइट साइड में आपको ब्लू शेल फिश दिखी होगी, जिसकी टेल जो होती है वी शेप में होती है. यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के भी फिशेस नजर आ सकते हैं. नजर आपको कौन सी फिशेस नजर आएगी येलो कलर में, दैट इज कॉल्ड बटरफ्लाई फिश. कुछ आपको अलग अलग शेप्स के देखिए कोरल्स नजर आ रहे हैं. तो कोरल्स हैव मेनी डिफरेंट शेप्स एंड दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. द ब्लैक फिशेस आर कॉल्ड ब्लैक फिन सर्जन फिश. ब्लैक फिशेस को ब्लैक फिन सर्जन फिश बोलते हैं. कुछ आपको जैकफ्रूट कोरल दिखेंगे जो हनीकॉम्ब की जैसा दिखते हैं, हनीकॉम्ब जैसा दिखता है या फिर जैकफ्रूट जैसा दिखता है, उसको जैकफ्रूट कोरल बोलते हैं. कुछ आपको ब्लैक कलर में फिशेस दिखाई देंगे जिनके टेल के पास एक व्हाइट कलर की रिंग होगी. ब्लैक कलर फिशेस, विच अदर ब्लैक कलर फिशेस हैव व्हाइट रिंग इन देयर टेल, दैट इज कॉल्ड ऑरेंज सॉकेट सर्जन. आपको सेम व्यू दोनों तरफ ही दिखाई देगा, सेम व्यू होता है. नीचे जो आपको काला सा पड़ा हुआ दिखेगा उसमें स्ट्राइप्स भी होते हैं, वो सांप नहीं है, वो सी क्यूकम्बर है. सी क्यूकम्बर कुछ आपको यहाँ पे स्पेट्स यानी इंक फिश, जो इंक छोड़ती है वो भी आपको दिखेगी. कुछ आपको गोल्ड बैंड पुलर फिश के ग्रुप्स पे दिखेगी. देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ हमेशा दिखता रहेगा. आपको जो जैकफ्रूट कलर दिखेंगे वो हमेशा जैकफ्रूट की तरह बने हुए होते हैं, दो कलर में होते हैं. एक तो ये ग्रीन होते हैं, दूसरा ये डार्क ब्राउन होता है. जब ये डेड होने लगता है, इनकी एज होने लगती है, तो इनकी कलर चेंज हो जाती है. कुछ फिशेस में आपको व्हाइट कलर्स दिखे होंगे जिनकी कोई कलर्स नहीं होती, उनको डैम शेल फिश बोलते हैं, जिनकी कोई कलर्स नहीं होती. कुछ आपको मशरूम कोरल दिखेंगे जिनके जो कलर में ब्राउन होते हैं और ऊपर का जो टिप होता है वो वाइट कलर का होता है. कुछ वाइट येलो एंड ब्लैक में कुछ फिश की कॉम्बिनेशन दिखेगी, दोनों तरफ में दिखती है. जो यहाँ पे कॉमन फिश है उसकी एक फिन जो है लंबी होती है, उसे पता चल जाता है
इसका नाम है लॉन्ग टर्म बैनर फिश। इसकी एक फिल्म लंबी होती है। आपके राइट साइड में जेब्रा फिश की ग्रुप जा रही है। इंडो पैसिफिक डोमशेल फिश भी बोलते हैं उसको। उसका नाम इंडो पैसिफिक डोमशेल फिश भी है। करीब जेब्रा जैसे दिखती है। आपके लेफ्ट साइड में गोल्ड बैंड फुलर फिश की ग्रुप जा रही है। आपको जो भी ग्रुप देखिए उसको गोल्ड बैंड फुलर फिश की ग्रुप बोलते हैं। आपके लेफ्ट साइड में देखिए पानी आपको थोड़ा सा रस्टी दिख रहा है। द वॉटर इज लिटिल रस्टी बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन। राइट साइड पे अभी आपको स्क्विड फिश दिखी है। इंक फिश बोलते हैं उसको। सॉरी राइट साइड पे एंड लेफ्ट पे आपको गोल्ड बैंड फुलर फिश की ग्रुप दिखी होगी। In your right side, yellow spot snapper fish. Also yellow.